अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, एक अफसोसनाक खबर। नमल यूनिवर्सिटी की तालिबा कायनात तारिक, जिसको कत्ल किया गया। सेनेटर रहमान मलिक का नमल यूनिवर्सिटी की तालिबा कायनात तारिक के मुबैना कत्ल का नोटिस लेते हुए सेक्रेटरी दाखला और आईजी पुलिस इस्लामाबाद के मुबैना कत्ल पर रिपोर्ट तलब कर ली। तफसीलात के मुताबिक सेनेटर रहमान मलिक ने सेक्रेटरी दाखला और आईजी पुलिस इस्लामाबाद से कायनात तारिक मुबैना कत्ल पर रिपोर्ट और ब्रीफिंग तलब करते हुए कहा है कि वाकये की हर पहलू से मुनसफाना तहकीकात की जाए ताकि मुलविस मुजरिमों को करार वाकई सज़ा मिले। कायनात तारिक के लिए इंसाफ के मुतलाशी तलबा ने एक ग्रुप के सेनेटर रहमान मलिक से वाकये का नोटिस लेने का मुतालबा करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि इस्लामाबाद के बिलाल अहमर के दफ्तर में कायनात तारिक को बेदर्दी से कत्ल किया गया। इनका कहना था कि वो नमल से MSc इकोनॉमिक्स कर रही थी और रेड क्रिसेंट पाकिस्तान की मुलाजमा भी थी। इन्होंने एक सीनियर अहदेदार पर शुबा जाहिर किया है, जिसने पहले कई बार कायनात को धमकियां दी थी। मुश्तबा अहदेदार ने कायनात को बहुत देर से हस्पताल लाया, जबकि मुश्तबा फर्द ने कायनात का मोबाइल भी अपने पास ही रखा और इब्तदाई तौर पर हवाला देने से इनकार कर दिया। याद रहे कि बिलाल अहमद इस्लामाबाद में मुलाजमत करने वाली नमल यूनिवर्सिटी की MSc की तालिबा कायनात तारिक के वालिद ने FIR में मौकफ इख्तियार किया है कि इसकी बेटी बिलाल अहमर में मुलाजमत करती थी, जहां इसी अदारे के जनरल सेक्रेटरी और चार बच्चों के बाप खालिद बिन मजीद ने इसकी बेटी के साथ छुपकर शादी की। कायनात तारिक निकाह को ओपन और अपने जमाशुदा पैसों की वापसी का मुतालबा कर रही थी, जिस पर खालिद बिन मजीद ने बिलाल अहमर के दफ्तर में ही कायनात तारिक को जहर आलू चीज़ खिलाकर बेदर्दी से कत्ल कर दिया था। दूसरी तरफ बिलाल अहमद के सेक्रेटरी जनरल खालिद बिन मजीद को कानून नाफिज करने हिरासत में लेकर छानबीन शुरू कर दी है। ताहम हत्तमा मालूमात पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद ही मालूम हो सकेगी। नाजरीन, इस खबर को लेकर अपनी कीमती राय का इजहार नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर करिएगा।